गाइस अभी शाम का टाइम है, मैं आई हूँ छत पे और मैंने देखा ब्यूटीफुल सीन, तो सोचा क्यों ना कैप्चर कर लूँ। ये देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा दृश्य है। सूरज भगवान अभी डूब रहे हैं, सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं सूरज भगवान। और इधर इस पेड़ पर ना बहुत सारे चिड़िया हैं और शाम का टाइम चिड़िया की आवाज़ आती है, कितना प्यारा लगता है ना ये सब सीन। ये देखिए मैं आप लोगों को आंगन में दिखाती हूँ, आंगन में वो सारे में चंदन खड़ा है सोना को लेके, और सोना सोई हुई है। एक्चुअली अब सोना का तबीयत उतना ठीक नहीं है, सुबह से ही थोड़ी सी बीमार चल रही है, मम्मी बुखार चेक कर रही है सोना का। और अभी इधर पापा बैठे हुए हैं वो सारे में सोफा पे, तो मम्मी और पापा वही बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास ले जाना है सोना को दिखाने के लिए, दवा दिलवाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है आज। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, अंधेरा होने लगा है और मैं छत पे आई हूँ अपने ब्लॉग पर वॉइस ओवर देने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हो कि मैं एक दिन में डबल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि दो दो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। दो ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है, दिन भर मुझे कैमरा लेके खड़े रहना पड़ रहा है, और उसके बाद उस पर वॉइस ओवर भी देना पड़ रहा है, एडिटिंग भी करनी पड़ रही है, काफ़ी मेहनत लग रहा है। और जितना देर मैं एडिटिंग करती हूँ अपने ब्लॉग पर वॉइस ओवर देती हूँ, मुझे बेबी को चांदनी के पास या फिर मम्मी के पास नीचे छोड़ कर आना पड़ता है छत पर, बहुत मेहनत है बहुत ज़्यादा। बट फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं अपने आप को आप लोग से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ, अपनी हर एक एक्टिविटी अपनी बेबी के हर एक एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज से 2-4 साल बाद बेबी जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और मैं ये सब व्लॉग देखूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोगों को भी खुशी होगी क्योंकि आप लोग भी बेबी को जन्म से देख रहे हो। और अभी बेबी बड़ी हो रही है तो सब चीज़ें आप लोग देख रहे हो, तो कितनी खुशी होगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी जब मैं बाद में व्लॉग देखूंगी। तो और आप लोग से बस एक बात कहना चाहूंगी कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत करी हूँ, आप लोग समझ सकते हो कि एक इतनी सी छोटी सी बेबी, 2 महीने की छोटी सी बेबी के साथ इतना कुछ मैनेज करना, दो दो व्लॉग एक साथ शूट करना और उसके बाद उसको एडिट करना, सब कुछ कितना मुश्किल रहता होगा मेरे लिए। मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती क्या करना पड़ता है, मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसको काट काट के ये सब चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी न्यू व्यूअर मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड में किसी को भी व्लॉग देखना पसंद होगा तो प्लीज़ आप लोग उनके साथ मेरा व्लॉग शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सच में मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाकर मैं इतनी छोटी बेबी के साथ इतना कुछ कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों के साथ दो दो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ एक दिन में। अभी बेबी सो रही थी तो मैं सोते हुए छोड़ के आई हूँ चांदनी के पास, उसको ब्लॉग एडिट करना था इसीलिए। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, फिर बेबी रोने लगेगी क्योंकि उसको हमेशा मम्मा चाहिए होती है, बस व्लॉग एडिट करना था इसीलिए मैं आ गई, अदरवाइज मैं उसको छोड़ के कभी भी अलग नहीं होना चाहती हूँ। छोटकू अपने पर नानी की गोदी में सो रही है आराम से। जब मैं काम में रहती हूँ ना, कभी कभी मैं दादी को पकड़ा देती हूँ और दादी आराम से इसको लेके अपने गोदी में सुलाए रहती हैं, और ये भी एकदम मस्त सोई रहती है। जब इसको गोदी में चिपका के सुलाओ ना तो बहुत देर तक सोती है, और ऐसे बेड पर अकेले सुला दे तो तुरंत जग जाती है। कोरोना का दवा लेके आ गए, कौन कौन सा दवा दिए, मतलब किस किस चीज का दवा लिए हो? बुखार और खांसी का। गाइस सोना की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार हो गई है सोना को और खांसी भी हो रही है, और ये देखिए आंखों से कैसे आंसू गिर रहे हैं, सुबह से ही आंख में पूरा आंसू आंसू भरा हुआ है। और आज एकदम सुस्त पड़ी है, नहीं तो डेली खूब हंसती है खूब खेलती है, लेकिन आज सुबह से ही सुस्त पड़ी है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चे की। देखिए खांसी भी हो रही है। कौन कौन गया था? चांदनी लेके गई थी तुम्हारे साथ बेबी को। आंसू पोछ। तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और बेबी की नानी ने जस्ट अभी अभी बेबी की मालिश करी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब बेबी को डायपर भी पहना दे रही हूँ और फुल कवर कर दे रही हूँ ड्रेस पहना के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी ठंडी लगती है अभी। और अभी बेबी के लिए जो हम लोग ऑनलाइन डायपर मंगवाए थे ना, वो सब खत्म हो गया है, तो ये दुकान से बस ऐसे ही खुदरा में हम लोग मंगवा रहे हैं, इसमें 2 पीस है 20 रुपये का मिला है, आजकल बस यही हम लोग मंगवा रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन किया नहीं है मैंने, अभी देखूँगी उसके बाद ऑनलाइन करूँगी, मंगवाऊँगी बहुत सारा एक साथ मंगवा लेते हैं तो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और रहता है घर पे तो आराम भी रहता है, मतलब रोज़ अपने पहनाते रहो। और अभी मैं फुल कवर अप कर दे रही हूँ बेबी को, क्योंकि अभी ठंडी लग रही है, होली के टाइम से ना बेबी के लिए फिर से ठंडी आ गई है। पहले मतलब मुझे लगा था होली के टाइम कि अब उतना ठंडी नहीं लगेगी, बेबी को स्वेटर नहीं पहनाना पड़ेगा, तो सारे स्वेटर्स मैंने रख दिए थे, लेकिन वापस से फिर मैं निकाल ली हूँ और फिर से इसको पहनाती हूँ, कैप भी पहनाती हूँ क्योंकि ठंडी बढ़ गई है, और अभी नहीं पहनाऊंगी तो थोड़ी ठंडी लग सकती है। पापा गुस्सा भी करते हैं, बेबी के नाना बोलते हैं कि अभी बेबी को स्वेटर पहना के रखो। दुआएं मेरी नजर ना लगे तुझको, आ ले लूं तेरी भलाई।
मेरी लल्ला कहाँ है? कहाँ है मेरी लल्ला? कहाँ है मेरी लल्ला? लल्ला किधर है? किधर है मेरी लल्ला? हाँ लल्ला किधर है? किधर है लल्ला? लल्ला को देखी हो चांदनी? लल्ला को देखी हो? लल्ला स्वेटर पहन के रेडी हो गया? हाँ हाँ लल्ला लल्ला ए लल्ला लल्ला मम्मा किधर है? किधर है मम्मा? किधर है आपकी मम्मा? किधर है? किधर है आपकी मम्मा? कहाँ है मम्मा? कहाँ है मम्मा? मम्मा कहाँ है बेटा? बेटा मम्मा को देखिए आप, मम्मा किधर गई? क्या बना रही हैं भाभी? रोटी बना रही हैं अभी। और क्या क्या बनाई हैं? तड़का दाल और आलू की भुजिया। अच्छा भाभी एक बात पूछ रही हूँ आपसे, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाभी को कभी कभी सूट भी पहनने दो, तुम लोग सिर्फ साड़ी पहनाती हो, उनको अनकंफर्टेबल लगता होगा, गर्मी का दिन आ रहा है, तो इसका जवाब आप देना चाहेंगी? इनको साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये हमेशा साड़ी ही पहनती हैं। अदरवाइज तो सूट तो साड़ी सूट और साड़ी दोनों चढ़ाया गया था, लेकिन भाभी को साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में इनको मना किया गया है सूट पहनने के लिए, जो मतलब हम लोग पहन सकते हैं, मैं चांदनी रीना, वो भाभी भी पहन सकती हैं, बट इनको पता नहीं क्यों साड़ी पहनना इतना अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा साड़ी पहनती हैं ये। हम लोग बोलते हैं सूट पहनिए, लेकिन पहनती नहीं है। ये रहा भाभी का फूली हुई रोटी, और इधर देखिए ये है दाल, तड़का दाल चना वाली, और इधर आलू की भुजिया जो हमारे भाई बहनों में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इधर हमारी मम्मी बेबी की मालिश करते हुए। मम्मी भाभी सूट पहनती तो आप कुछ बोलती? कुछ नहीं। आप लोग को लगता है गाइज कि मम्मी मना कर सकती है सूट पहनने के लिए भाभी को? ना मम्मी मना करती है ना पापा मना करते हैं, मतलब हम लोग जो पहन सकते हैं, मैं रीना चांदनी हम तीनों बहनें, वो भाभी को भी अलाउ है पहनने के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट डे हो चुकी है, अगले दिन सुबह यानी कि आज की सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, और हमारे छुटकू एकदम मस्त रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। बेबी के चांदनी मौसी ने बेबी को नींद में ही जगाया है, और नींद में जगा के ही बहुत अच्छे से रेडी कर दी है, न्यू ड्रेस पहना दी है। और ये वाला जो ड्रेस देख रहे हो आप लोग को शायद याद होगी, ये सोना का ड्रेस है, बट सोना में फिट नहीं आ रहा है, छोटा हो रहा है, इसलिए भाभी बोली कि इसको मोना को ही पहना दीजिएगा। तो मोना को और चांदनी पहना दी है, और बेबी से मिलने के लिए कोई आने वाला है, जैसा कि कल ही के ब्लॉग में मैंने आप लोग से बताया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया था कि कौन आया है, कौन आने वाला है मिलने के लिए, तो जल्द ही आप लोग को ब्लॉग देखने को मिलेगा, सरप्राइज़ ब्लॉग, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल पर कंटिन्यू रहिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने वाले हैं आप लोग। और अभी हमारी छुटकू मस्त खेल रही है, इंतज़ार कर रही है कि कौन मिलने आएगा मुझसे। छुटकू भी आज बहुत ज़्यादा खुश है, जब कोई भी छुटकू से मिलने के लिए आता है ना, तो छुटकू भी बहुत खुश होती है, सबको रिस्पांस देती है, और अभी एकदम मस्त खेल रही है, बस कोई आ जाए मिलने के लिए छुटकू से, छुटकू खुशी में एकदम पागल हो रही है, लेकिन बीच बीच में रोने भी लग जा रही है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, लगती है चिल्लाने रोने, इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है वीडियो बनवाना, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती का इसका वीडियो बनाती हूँ। और अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं, और जो आने वाला था वो आ भी चुका है, तो वो आप लोगों को ब्लॉग अगला नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसमें देखने को मिलेगा। और आज हमारी चांदनी का एग्ज़ाम है, चंदन जा रहा है छोड़ने के लिए चांदनी के कॉलेज, BA यानी कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो वही चांदनी का एग्ज़ाम है, तो आज से स्टार्ट हो चुका है, तो चांदनी अभी जा रही है, अभी सबको प्रणाम की है। अभी चंदन यहाँ पे बाइक को साफ़ कर रहा है, और बोल रहा है कि मैं उसका सीट साफ़ नहीं करूँगा, सिर्फ आगे वाला सीट साफ़ करूँगा, और चांदनी वाला जो सीट है, मतलब जो चांदनी पीछे बैठेगी, तो वो मैं सीट साफ़ नहीं करूँगा। तो वही मैं हंस रही थी, इन दोनों का दिन भर ऐसे ही नोकझोंक चलते रहता है, दोनों आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो बस अभी चंदन छोड़ के आएगा चांदनी को। और आज का ये जो ब्लॉग है अब मैं ही पेंट करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इधर देखिए सोना को कैसे अपने चाचा के गोदी में बैठी हुई है, आगे अभी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना, तो इसको भी ले जाएगा लोग बाइक से घुमाने। मम्मी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और चांदनी सबको प्रणाम कर ली है, मुझे भी और घर में जितने सारे लोग थे सबको।
बेस्ट ऑफ लक चांदनी के एग्ज़ाम के लिए। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इंतज़ार कीजिएगा आप लोगों, क्योंकि बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग। बस बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट चांदनी फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद जय भारत।